हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है वर्ल्ड कप 2020 चालू हो चुका है, जिसमें राउंड वन चल रहा है, जिसका फिफ्थ मैच और सिक्स्थ मैच का प्रेडिक्शन आज हम करेंगे। ये फिफ्थ मैच जो है स्कॉटलैंड और पीएनजी, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी बोलना कठिन पड़ता है इसलिए हम पीएनजी बोलेंगे, ये के बीच में खेला जाएगा 19 अक्टूबर 3:30 बजे। और सिक्स्थ मैच जो है वो ओमान और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा। बांग्लादेश का पिछला मुकाबला बांग्लादेश के प्रदर्शन के हिसाब से या कहें एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ख़राब हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम फिफ्थ मैच और सिक्स्थ मैच का प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो जो फिफ्थ मैच हो रहा है स्कॉटलैंड और पीएनजी के बीच में, उसमें हमारा विनर है स्कॉटलैंड। टॉप बैट्समैन हो सकते हैं स्कॉटलैंड की तरफ से जॉर्ज मुनसे और असद वाला, पीएनजी की तरफ से टॉप बॉलर जो हो सकते हैं शरीफ स्कॉटलैंड की तरफ से, राबू पीएनजी की तरफ से। मोस्ट सिक्सेस कौन मार सकता है? वाला पीएनजी की तरफ से, जॉर्ज मुनसे स्कॉटलैंड की तरफ से। हमारे हिसाब से मैन ऑफ द मैच जॉर्ज मुनसे हो सकता है। स्कॉटलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो 150 रन प्लस रन बनाएगा, पीएनजी करता है तो 120 प्लस रन बनाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे मैच जो बांग्लादेश और ओमान के बीच में होने जा रहा है उसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हमारे हिसाब से टॉस और मैच दोनों बांग्लादेश जीतेगा। टॉप बैट्समैन हमारे हिसाब से होगा मुस्तफिकुर रहीम बांग्लादेश की तरफ से, मकसूद ओमान की तरफ से। टॉप बॉलर शकीब अल हसन होंगे बांग्लादेश की तरफ से, कालीमुल्ला ओमान की तरफ से। मोस्ट सिक्सेस महमदुल्ला मार सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से, जिसान मकसूद ओमान की तरफ से। प्लेयर ऑफ द मैच हमारे हिसाब से शकीब अल हसन का होगा, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो 160 प्लस स्कोर बनाएगा और ओमान करता है तो 140 प्लस। दोस्तों, ये सारे प्रेडिक्शन हमारे एनालिसिस के हिसाब से रहते हैं, जो कि 90% तक सही हैं अब तक। तो चलिए दोस्तों, ऐसे प्रेडिक्शन के लिए, ऐसे एनालिसिस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।